तो आज की क्लास में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, यानी कि वाइंडिंग के प्रकार, ठीक है, किसमें, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में। तो टाइप्स ऑफ डीसी आर्मेचर वाइंडिंग जब देखते हैं हम, इसका मतलब ये होता है कि हमारी जो डीसी वाइंडिंग होती है इसके कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हमारे दो प्रकार की डीसी वाइंडिंग होती है। पहली वाइंडिंग हमारी होती है लैप वाइंडिंग, दूसरी होती है हमारी वेव वाइंडिंग, ठीक है। एक हो गया लैप, एक हो गया वेव। अब समझते हैं हम, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर लैप वाइंडिंग की, कि लैप वाइंडिंग होती क्या है, ठीक है। तो लैप का मतलब क्या होता है, देखो जब हमारे वाइंडिंग क्या करती है, वाइंडिंग के जो सिरे होते हैं ना, कौन से सिरे हमारे, एंड कनेक्शन जो इनके निकलते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो एंड कनेक्शन निकलते कहाँ पर है हमारे, तो ये जो होता है ये एक दूसरे को लैप कहाँ पर करेंगे, यहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने दिखा रखा है ये वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में देखो इस सब वाइंडिंगों ने क्या कर रखा है, जो इसके सिरे होते हैं एंड कनेक्शन, यहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सब ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसीलिए हम इस वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, लैप वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिन वाइंडिंगों के यहाँ पर संयोजन सिरे, यानी कि कनेक्शन वाले सिरे एक दूसरे को क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, उस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, लैप वाइंडिंग कहेंगे। अब लैप वाइंडिंग देखो कितने प्रकार की होती है, लैप वाइंडिंग मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहली हमारी आती है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग और दूसरी आती है हमारी मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ठीक है। सिंप्लेक्स जो होती है हमारी वो केवल एक ही प्रकार की होती है, और जो हमारी मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग होती है तीन प्रकार की होती है। मल्टीप्लेक्स में पहला आता है हमारा यहाँ पर डुप्लेक्स वाइंडिंग, दूसरा आता है यहाँ पर ट्रिप्लेक्स, और तीसरा आता है यहाँ पर क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो देखो डुप्लेक्स वाइंडिंग में क्या होगा, कम्यूटर पीस का मान 2 हो जाएगा, ट्रिप्लेक्स में 3 हो जाएगा, और क्वाड्रुप्लेक्स में कितना हो जाएगा, कम्यूटर पीस का मान 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग की बात करेंगे। तो ये हमने सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग का सर्किट बनाया है, ठीक है। तो सिंप्लेक्स में क्या होता है, देखो कम्यूटर पीस का मान कितना होता है हमारा, 1 होता है। तो हम कह सकते हैं देखो YC को हम डिनोट करते हैं कंप्यूटर पीस से, और यहाँ पर हमारा कंप्यूटर पीस का मान कितना होता है, 1 होता है। किस वाइंडिंग में, सिंप्लेक्स वाइंडिंग में। तो हमारी सिंप्लेक्स वाइंडिंग में कंप्यूटर पीस का मान कितना रहेगा, 1 रहेगा। और यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है कि हमारे जो सिंप्लेक्स वाइंडिंग होती है वहाँ पर कंप्यूटर पीस का मान कितना होता है, तो कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। और हमारी जो डीसी आर्मेचर वाइंडिंग होती है कितने प्रकार की होती है, तो कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। अब लैप वाइंडिंग के अगर प्रकार पूछेगा तो कौन सी होगी हमारी, सिंप्लेक्स वाइंडिंग, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग, ठीक है। और उस पर कौन सा आता है, सिर्फ मल्टीप्लेक्स में डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वार्टर। जब हमने इसमें सिंप्लेक्स की बात करी थी तो सिंप्लेक्स में क्या हो रहा है, कंप्यूटर पीस का मान 1 हो रहा है। अब देखते हैं कि कैसे कंप्यूटर पीस का मान 1 होता है। अब देखिए हमने क्या करा है, ये हमारे कंप्यूटर सेगमेंट है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड है, थर्ड है और ये फोर्थ है, ठीक है। तो हमने यहाँ से वाइंडिंग करनी स्टार्ट करी है, हमने 3 कॉइल यहाँ बना रखी है, तो यहाँ पर कॉइलों की संख्या और बढ़ सकती है आगे को, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पर, देखो हमने यहाँ पर पहली कॉइल को कंप्यूटर सेगमेंट नंबर 1 के साथ जोड़ा है, इसके फर्स्ट सिरे को, और इसके दूसरे सिरे को कहाँ जोड़ दिया है, कंप्यूटर सेगमेंट नंबर दूसरे के साथ। तो जब हम दो में से एक को माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 1, यानी कि कंप्यूटर पीस का मान कितना हो गया यहाँ पर, 1। इस प्रकार की वाइंडिंग को हम क्या कहेंगे, सिंप्लेक्स वाइंडिंग कहेंगे। फिर दूसरी वाइंडिंग को हमने दूसरे सेगमेंट से उठाया है और उसको तीसरे सेगमेंट में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया है। अब 3 में से हम 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, फिर 1 आएगा। तो इस प्रकार हमारा कंप्यूटर सेगमेंट का मान कितना रहेगा, कंप्यूटर पीस का मान 1 ही रहेगा, और इस वाइंडिंग को हम कहेंगे सिंप्लेक्स वाइंडिंग। अब इसके बाद देखते हैं सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग के बाद, अब देखेंगे हम मल्टीप्लेक्स लैप वाइंडिंग। तो इसमें बात करते हैं हम सबसे पहले डुप्लेक्स वाइंडिंग की, कि डुप्लेक्स वाइंडिंग क्या होती है। अब देखो जो डुप्लेक्स वाइंडिंग होती है, इस वाइंडिंग में कंप्यूटर पीस का मान कितना होता है, 2 होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम डुप्लेक्स वाइंडिंग बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है डुप्लेक्स वाइंडिंग में कंप्यूटर पीस का मान कितना होता है, तो कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पर देखिए, हमने जैसे कि यहाँ पर सिंप्लेक्स में क्या करा था, स्टार्ट ऑफ कॉइल को कहाँ करा था, कंप्यूटर सेगमेंट नंबर 1 से, और एंड उसको कहाँ करा था, कंप्यूटर सेगमेंट नंबर 2 में। और यहाँ पर देखो क्या होता है, डुप्लेक्स में स्टार्ट किया है हमने कंप्यूटर सेगमेंट नंबर 1 से, और एंड कहाँ किया है, देखो कंप्यूटर सेगमेंट नंबर 3 में। इस प्रकार जब हम 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 2। तो कंप्यूटर पिच का मान कितना हो गया, 2। और कह सकते हैं हमारी वाइंडिंग कौन सी है, ये डुप्लेक्स वाइंडिंग है। फिर देखो जो दूसरी कॉइल बनी है, इसको हमने स्टार्ट किया है कंप्यूटर सेगमेंट नंबर 2 से, और करेक्ट किया है एंड सिरे को कहाँ पर, कंप्यूटर सेगमेंट नंबर 4 में। अब 4 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो फिर कितना आ रहा है हमारे,
पास दो, तो ठीक है। तो इस प्रकार हमारा कंप्यूटर पीस का मान कितना मिलेगा हमको, दो मिलेगा। इस प्रकार की वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, डुप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं। फिर देखिए तीसरे से लिया है और इसको पांच में कलेक्ट कर दिया है, तो पांच में से तीन को माइनस करेंगे फिर कितना आएगा, दो। तो इस प्रकार हमारा कंप्यूटर पीस का मान हमेशा कितना रहेगा, इसमें दो रहेगा डुप्लेक्स में, ठीक है। और सिंप्लेक्स में कितना रहेगा, एक रहेगा। अब इसके बाद देखेंगे हम ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रुप्लेक्स वाइंडिंग। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर ये ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग की, कि ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग क्या होती है। देखो ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग में कंप्यूटर पिच का मान कितना हो जाएगा हमारा, तीन हो जाएगा, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, देखो फर्स्ट कॉयल का जो स्टार्ट सिरा है वो कंप्यूटर सेगमेंट नंबर फर्स्ट के साथ कनेक्ट किया है, और इसका जो दूसरा सिरा है वो कंप्यूटर सेगमेंट नंबर चार के साथ। अब चार में से अगर हम क्या करेंगे, एक को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तीन आएगा। तो कंप्यूटर पिच का मान कितना रहेगा, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग में तीन रहेगा। तो इस प्रकार हम देखो दूसरी वाइंडिंग को हमने भी दो से स्टार्ट किया है और इसे कनेक्ट कर दिया है पाँच में, अगर हम पाँच में से माइनस करेंगे दो तो कितना आएगा, फिर तीन आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा कंप्यूटर पिच का मान रहेगा ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग में कितना रहेगा, तीन रहेगा। और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हमारी ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग होती है उसमें कंप्यूटर पिच का मान कितना होता है, तो कितना होता है, तीन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वाड्रुप्लेक्स वाइंडिंग की, तो इस पर कंप्यूटर पिच का मान कितना होता है, चार होता है। इस वाइंडिंग में हमने कॉइल नंबर जो सेकंड है उसका फर्स्ट सिरा कनेक्ट किया है यहाँ पर कंप्यूटर सेगमेंट नंबर फर्स्ट से। इस प्रकार वाइंडिंग करने के बाद उसका दूसरा सिरा कंप्यूटर सेगमेंट नंबर पाँच के साथ कनेक्ट किया है, जो उसका क्या है, एंड सिरा है। अब पाँच में से हम एक को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, चार आएगा। तो यहाँ पर कंप्यूटर पिच का मान कितना हो गया, चार हो गया। तो हम कह सकते हैं कि क्वाड्रुप्लेक्स वाइंडिंग में कितना होता है कंप्यूटर पिच का मान, चार होता है। अब सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं देखो दो से, और इसे हमने कनेक्ट कहाँ कर दिया है, यहाँ पर छः में। छः में से फिर दो को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, चार आएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आता है कि जो हमारी क्वाड्रुप्लेक्स वाइंडिंग होता है उसमें कंप्यूटर पिच का मान कितना होता है, तो कितना होता है, चार होता है, ठीक है। अब देखिए जो हमारा ये मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग होता है इसको हम दूसरी तरीके से समझेंगे कि डुप्लेक्स वाइंडिंग ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रुप्लेक्स में क्या होता है। पहला तो हम समझ गए हैं कंप्यूटर सेगमेंट के हिसाब से डुप्लेक्स में कंप्यूटर पिच का मान दो होता है, ट्रिप्लेक्स में तीन होता है और क्वाड्रुप्लेक्स में चार होता है। अब देखिए डुप्लेक्स में क्या होता है, जो हमारे कॉयलों की संख्या होती है वो जो होती है स्लॉटों की संख्या की कितनी होगी, डुप्लेक्स में दो गुना होगी। तो मान लो इसमें हमारे 12 स्लॉट हैं तो कॉइल कितनी बनेगी, इसमें 24 बनेगी। और दूसरा अगर ट्रिप्लेक्स की बात करें तो अगर मैं मानूँ इसमें स्लॉट मेरे 12 हैं तो कॉइल कितने बनेंगे, इसमें 36 कॉइल बनेंगे, ठीक है।